हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? सो ये मेरी रियल ब्राइड है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सो चलिए सीखते हैं ये वाला लुक आप कैसे अचीव कर सकते हो। गर्मियों के लिए बेसिकली ये वाला मेकअप है, समर ब्राइडल मेकअप आप बोल सकते हो। लॉन्ग लास्टिंग बेस भी है काफ़ी ज़्यादा। नेक का बेस ऑलरेडी मैंने कर दिया है, CTM भी मैंने कर दिया है। प्राइमर के लिए मैंने स्मैश बॉक्स का पहले यूज़ किया, अच्छे से मैं प्राइमर को लगाई, फिर मैंने हल्का सा टी जोन पे यहाँ पे बेनिफिट का प्राइमर भी यूज़ किया है, क्योंकि इनको पोर्स थे इस वजह से। मैंने बहुत अच्छे से स्किन प्रेप किया था, मैंने मैक का फिक्सर भी यूज़ किया था। नेक्स्ट मैंने हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ किया है। दो शेड मेरे पास है हुडा ब्यूटी का, तो दोनों को कस्टमाइज़ करके मैंने शेड बनाया है एंड अच्छे से मैंने फाउंडेशन को इस तरह से अप्लाई किया है। इनकी जो अंडरटोन थी ना, वो वार्म अंडरटोन थी एंड इनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा रेडनेस था, इस वजह से मैंने यहाँ पे येलो अंडरटोन का फाउंडेशन यूज़ किया ताकि वो कैंसल आउट कर दे जो भी इनके फेस पे आपको रेडनेस नज़र आ रहा था। यदि आप वाइट टोन का ज़्यादा यूज़ कर लोगे ना फाउंडेशन, तो क्या होगा, रेड टोन पे वो अच्छे से बैठता नहीं है। नेक्स्ट मैंने कंसीलर यूज़ किया है टू फेस्ड का, शेड है यहाँ पे सैंड एंड इसके बाद जो मैं शेड यूज़ करूँगी वो होगा लाइट। अभी मैंने कंसीलिंग किया है, फाउंडेशन के बाद आज मैंने कंसीलिंग किया है। अगर आप फाउंडेशन से पहले नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फाउंडेशन के बाद भी कंसीलिंग को कर सकते हो। इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है, आप कोई सा भी ब्रश ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है क्या, यहाँ पे लाइट शेड का कंसीलर टू फेस्ड का इन दी शेड, ये है आलमंड शेड जो कि लाइट शेड है। तो मैंने हाइलाइटिंग अच्छे से किया है क्योंकि मैंने फाउंडेशन और कंसीलिंग ज़्यादा लाइट नहीं किया था, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे अच्छे से हाइलाइटिंग किया एंड इसको ब्लेंड करने के लिए मैं PAC का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। ब्लश के लिए मैंने लिक्विड ब्लश पहले यूज़ किया है फॉरएवर 52 का एंड इसके बाद मैं लास्ट में ऐड करूँगी फॉरएवर ही 52 का पाउडर ब्लश। तो अच्छे से आपको लिक्विड ब्लश को अप्लाई करना है। लिक्विड ब्लश जब भी आप अप्लाई करते हो, आप बड़े फेस पे जब काम कर रहे होंगे, जैसे इस तरह के फेस पे जो काफ़ी चवी हो, तो आप ना एप्पल अगर चिक्स पे ब्लश नहीं अप्लाई करोगे, थोड़ा साइड में ब्लश अप्लाई करोगे। नेक्स्ट मैंने फेस को सेट किया है एंड मैंने अपना फेवरेट लूज पाउडर यूज़ किया। कमेंट करके बताओ मैंने कौन सा लूज पाउडर यूज़ किया है, देखते हैं कितने लोगों को पता है मैंने कौन सा यूज़ किया, आजकल कौन सा मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो मेकअप को सेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है गर्मियों में, अगर आप चाहते हो ना आपका मेकअप सुबह तक वैसे का वैसे ही रहे। मेरे क्लाइंट से मैंने फीडबैक लिया, इनका मेकअप सुबह तक एज इट इज़ था, तो उसका रीज़न बस यही है कि मैंने अच्छे से पाउडर लॉकिंग किया है। यदि आप पाउडर लॉकिंग अच्छे से नहीं करोगे ना, मेकअप कभी भी आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पाउडर ब्रॉन्जर किया है, मैंने हुला का ब्रॉन्जर यूज़ किया एंड मैंने बहुत कम ब्रॉन्जिंग किया है, बहुत ज़्यादा ब्रॉन्जिंग नहीं किया है। 48 इनका ऑलरेडी छोटा था, तो मैंने 48 पे ज़्यादा ब्रॉन्जिंग नहीं करना प्रेफर किया, मुझे ऐसा लगा फेस और ज़्यादा इनका मे बी 48 और ज़्यादा छोटा लगे, इस वजह से मैंने एकदम लाइट लाइट बस हैंड इस तरह से रख के बस ब्रॉन्जिंग किया है। वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि लंबी वीडियोस ऑलरेडी मैंने 2-3 इस बीच में डाली हुई है ब्राइडल मेकअप की, तो इसलिए ये वाला वीडियोस ना मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। नोज़ पे भी हल्का सा कर लेना है आप लोगों को एंड अच्छे से हर कुछ को ब्लेंड करना है। आप देख सकते हो मैं ब्लेंड कितने अच्छे से कर रही हूँ हर कुछ को। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे हाइलाइटर ब्रांड है यहाँ पे बैका का, आप किसी भी ब्रांड का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये वाला हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं अपनी रियल ब्राइड पे मैक का फॉरएवर 52 का बैका का हाइलाइटर ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो अच्छे से हाइलाइटर लगाने के बाद अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हल्का सा पाउडर ब्लश फॉरएवर 52 का, अगेन हल्का सा बस मैंने अप्लाई किया है, ज़्यादा नहीं। अब हम आईब्रो को फिल इन करेंगे, तो उसको फिल इन करने के लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे PAC का आईब्रो पोमेड, आप कोई सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो आईब्रो पोमेड एंड फिर हम कंसीलर के हेल्प से सारे एजेस को क्लीन करेंगे इस तरह से। अच्छे से कंसीलर लगाने के बाद उसको ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे, कंसीलर में कोई भी क्रीजेस नहीं रहना चाहिए, उसको सेट भी कर लेंगे।
द सॉ स्टॉपर आई शेडो पैलेट यूज़ करी मैं फ्लॉस ब्यूटी का, एंड ये वाले दोनों शेड को मैंने लिया था लाइट ऑरेंजिश ब्राउनिश शेड को, फ्लफी सब ब्लेंडिंग ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहला शेड हमारा यही है, ये हमारा ट्रांजिशन शेड है। आप जब भी आई मेकअप स्टार्ट करते हो तो ऑलवेज आप लाइट कलर से स्टार्ट करोगे, एंड ये वाला आई मेकअप मैंने अपने क्लाइंट को इस वजह से दिया, मैंने एक रील्स अपलोड किया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेरी क्लाइंट का ना हेयर लॉन्ग था, आपने वो वाला रील्स ज़रूर देखा होगा, उनके हेयर उनका वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा चला है, मैंने शॉर्ट्स पे डाला था। तो उस ब्राइड का ना रियल ब्राइड थी वो मेरी, उनका मैंने ना आई मेकअप का वीडियो शूट नहीं किया था, बेसिकली मैंने मेकअप का शूट नहीं किया था। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे वो वाला आई मेकअप रिक्रिएट करो, तो यही वाला आई मेकअप था, आप ज़रूर अपने ब्राइड को देना। आजकल मैं इस तरह का आई मेकअप ब्राइड को दे रही हूँ ना, तो बहुत पसंद आ रहा है सबको। जैसे कि मैंने पहले लाइट और ब्राउनिश शेड को लिया, फिर मैंने हल्का सा मैजेंटा एंड आप बोल सकते हो मरून काइंड ऑफ शेड को पिक किया छोटे से ब्रश की हेल्प से, एंड एग्जैक्ट क्रीज एरिया पर अप्लाई किया एंड हल्का हल्का उसको ब्लेंड किया, एंड फिर से क्लीन ब्रश लिया एंड फिर से हल्का सा उसमें ब्राउन शेड शेडो को लिया जो कि हमारा फर्स्ट शेड था, एंड दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड किया। हल्का सा मैंने आउटर कॉर्नर पे एकदम हल्का सा मैंने ब्लैक होता ना एकदम लिटिल मतलब ब्रश में एकदम बस टच करवाया, हल्का सा ब्लैक आई शेडो भी दिया था बहुत ना के बराबर, जो कि आपको नज़र भी नहीं आएगा कि मैंने ब्लैक आई शेडो लगाया है। जब भी आप इस तरह से ब्लैक लगाओगे आउटर कॉर्नर पे, सिर्फ मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया, मैंने कोई क्रीज व्रीज पे नहीं लगाया, उसको हमें ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है। मैं देख रही हूँ कितने अच्छे से टाइम लेके आप ब्लेंडिंग कर रही हूँ, एंड बहुत अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट मैं शुई शेड को, यानी कि गोल्डन और एक आपने देखा होगा अर्दी टोन का शेड आपको दिखा होगा, अर्थ कलर का आपको दिख रहा होगा शिमरी शेड, बेसिकली मैंने गोल्डन और एक मैंने अर्दी टोन का शेड यूज़ किया शिमर के लिए। फिंगर की हेल्प से शिमर लगाओगे तो ज़्यादा सही रहता है, मुझे ऐसा लगता है ब्रश से अच्छा ना शिमर फिंगर की हेल्प से ही लगता है। एंड फिर से हल्का सा आउटर कॉर्नर पर डार्क कलर को लेके इस तरह से ब्लेंड कर लेना है सारा कुछ को। अब मैं यहाँ पे काजल यूज़ कर रही हूँ जो कि है डिकोड का, हल्का सा मैं इस तरह से काजल लगाऊंगी, इसके ऊपर मैं लिक्विड लाइनर लॉक करूंगी। आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हो इनग्लॉट का, वो भी मेरे पास है बट मुझे यही अच्छा लगता है इस वजह से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ पे भी आपको काजल लगाना, इससे क्या होता है छोटी आईज ना बड़ी दिखाई देती है, इनकी आईज काफ़ी हुडेड थी छोटी थी आप देख सकते हो, तो आप जब भी छोटी आईज पर काम करते हो ना, एक तो आप नीचे ब्लैक काजल नहीं लगाओगे, नीचे ज़्यादा कलर नहीं दोगे, जैसे आप देख सकते हो मैं इनके लोअर लैश लाइन पे काफ़ी कम कलर दे रही हूँ, लाइक मैंने हल्का सा ब्राउन हल्का सा मीडियम ब्राउन शेडो को दिया, एंड मैं क्या कर रही हूँ हाईलाइट कर रही हूँ इनर कॉर्नर को अच्छे से। तो मैंने शिमर लगाया है यहाँ पे गोल्डन काइंड ऑफ शिमर, आप देख सकते हो इनर कॉर्नर से लेके हल्का सा 3/4 तक। अब मैं ग्लिटर लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं पहले ग्लिटर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, डोम शेप का ब्रश मैंने यहाँ पे यूज़ किया, उसके हेल्प से अच्छे से ग्लिटर प्राइमर को अप्लाई कर लिया। एंड ग्लिटर के लिए मैंने दो ग्लिटर यूज़ किया है, LIT का ही एक है सैम्पेन विशेष, एक है आपको हुची मामा शेड। आप लोग पूछते हो ना कि मैम LIT का ग्लिटर कहाँ से ले, तो LIT का ग्लिटर ना मैं इंस्टाग्राम पेज मेकअप एंड गर्ल्स करके एंड ब्यूटी सीक्रेट हाई एंड मेकअप करके मैं उनसे ही लेती हूँ, वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल करते हैं जो भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट होते हैं, तो आप ले सकते हो। इवन आप LIT ना कॉस्मेटिक इंडिया का भी पेज है इंस्टा पे, आप उनको भी इंस्टा पे DM करके डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। एक ग्लिटर 1500 रुपीज़ का है, ये मेकअप काफ़ी ज़्यादा महंगा आप बोल सकते हो, बहुत लोगों को महंगा लगेगा क्योंकि सच में मैंने महंगा किया है, बट हम क्या करें, मैं अपने क्लाइंट को पहले क्लियर कर देती हूँ मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। सारे क्लाइंट को ना आजकल हाई ब्रांड का ही मेकअप चाहिए, भले वो चार्ज कम दे बट मैं उनको क्लियर बोल देती हूँ। एंड हमारे तरफ ना इस मेकअप का चार्ज है 10 to 12 के, जी हाँ, ये जितना भी आज मैंने वीडियो में यूज़ किया प्रोडक्ट उसका मैं बता रही हूँ। कोई इसमें आप 8 भी देते हैं, कोई 9 भी देते हैं, कोई 10 भी देते हैं, लाइक 8,000 से 12,000 के बीच ही रहता है। लिक्विड लाइनर मैंने रिकॉर्ड का ऊपर से लगा दिया, लिप लाइनर के लिए मैंने के ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया, लिप लाइनर लगा के मैंने तब तक छोड़ दिया, मस्करा मैंने सोचा लगा देती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे लैसेस लगाना था, तो लैसेस से पहले मस्करा 5 मिनट पहले लगाओगे, अदरवाइज क्या होगा, तुरंत मस्करा लगाना तुरंत लैसेस लगाना दोनों चिपकेंगे तो नीचे फैल जाएगा मस्करा। जैसे इनका हल्का सा नीचे लग गया था बट डोंट वरी, हम उसको क्यूटिप्स की हेल्प से ठीक कर देंगे। लिपस्टिक पहले मैंने ये वाला कलर का लगाया बट मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी लिप्स बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो मैंने बाद में इसके ऊपर हल्का सा ब्राउन टोन का लिपस्टिक यूज़ किया है। मैंने 2-3 ब्रांड यूज़ किया, लाइक लॉरियल रेने का मैंने यूज़ किया है, 2-3 ब्रांड है मैंने, मतलब 2-3 शेड मैंने मिक्स करके इनका शेड बनाया, एंड हल्का सा मैंने ग्लॉस भी दिया है इनको टिप्स ब्यूटी का।
लैसेज इज फ्रॉम मिंक लैसेज, लोअर लैश में मस्कारा लगा देना एंड लुक एट द फाइनल लुक। आई मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेंसेज इनके थे मिस्ट्री हेजल फ्रॉम द ब्रांड एक्वा लेंस एंड लुक एट द फाइनल लुक। बस अब मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, फाउंडेशन जो हेयर में लग जाता है अगर नहीं हटाओगे आप तो क्लाइंट ना थोड़े से एजेड दिखते हैं इससे। ये सब छोटा छोटा टिप्स मैंने आप लोगों को दिया एंड बहुत ही प्यारा इनका हुआ था आई मेकअप। मुझे सबसे बेहतर इनका आई मेकअप ही लगा था। फिर भी आप मुझे बताओ आपको सबसे अच्छा इस पूरे मेकअप में क्या लगा, आपको जो भी अच्छा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हूँ इसी तरह के मतलब और वीडियो देखने हेल्प हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम हैंडल का नेम है श्रुति मंदने को। इंस्टा पे ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यार भी दे रहे हो, मेरे काफ़ी ज़्यादा रील्स वायरल भी हुए हैं श्रुति मंदने को, बड़ा जाके सर्च करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर सब्सक्राइब।